नमस्कार, मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार चिकित्सा और लाइफस्टाइल कंसल्टेंट। आज का विषय है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? लोग सोचते हैं कि कॉन्स्टिपेशन को हिंदी में कब्ज बोला जाता है। कब्ज उर्दू का शब्द है। हिंदी में कॉन्स्टिपेशन को कोष्ठबद्धता बोला जाता है। कोष्ठ मतलब आते हैं, बद्धता मतलब बंध जाना। उर्दू के कब्जा शब्द से कब्ज लिया गया। कब्जा होता है मकान पर कब्जा कर लिया, जमीन पर कब्जा कर लिया, प्लॉट पर कब्जा कर लिया, ऐसे ही आंतों पर कब्जा कर लिया से कब्ज लिया गया है। आंतों पर कब्जा कौन करता है? आंतों में जो पहुंचता है और जिसको बाहर निकल जाना चाहिए। आंतों में पहुंचता क्या है? हम आंतों में क्या पहुंचाते हैं? हम आंतों में भोजन ही तो डालते हैं, मुंह में डालते हैं। मुंह में डाल करके, चबा करके, आहार नाल से होते हुए अमाशय में पहुंचाते हैं। अमाशय से धीरे 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 करके वो आंत में जाता है। छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में जाता है। छोटी आंत से खींच करके, एब्जॉर्ब हो करके पाचक तत्वों के साथ, पोषक तत्वों को लेकर के खून में चला जाता है और जो बेकार का बसता है वो कोष्ठ, बड़ी आंत में चला जाता है। और बड़ी आंत में जा करके जो बेकार बेकार का है, जिसमें कुछ भी नहीं है शरीर के उपयोग के लिए, एसेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर के साथ, आवश्यक मात्रा में पानी के साथ वो निकल के बाहर हो जाता है। ये सामान्य प्रक्रिया है पाचन तंत्र की। तो जो पोषक तत्व विहीन, जो हमने भोजन लिया था पोषक तत्वों वाला, उसमें से पोषक तत्व तो सारे खिंच गए। जैसे गन्ना मशीन में डालते हैं, जूस जूस निकल के बाहर एक तरफ आ जाता है। बेकार का जो गन्ने का गूदा है वो एक तरफ चला जाता है। अगर वो गन्ने का गूदा मशीन में फंस जाए, जूस तो निकल के आ गया और गन्ने का गूदा अब मशीन में फंस गया, तो दूसरा गन्ना डालने की जगह मशीन में नहीं है। जबरदस्ती करके अगर हम डालते भी हैं गन्ने को, तो फिर मशीन काम करना बंद कर जाती है। ठीक ऐसे ही हमारे पाचन तंत्र के साथ होता है कि आंतों में से अगर पहले का पोषक तत्व विहीन वाला भोजन, जिसको मल बोला जाता है, पोषक तत्व विहीन भोजन नहीं बोल सकते, भोजन में से पोषक तत्व अगर निकल गए तब वो जो बच गया उसको भोजन नहीं बोलेंगे, उसको मल बोला जाएगा सर। और वो मल आंतों से निकल जाना चाहिए था किसी भी कारण की वजह से, अगर वो आंतों पर कब्जा कर ले, निकले ही नहीं आंतों से, ऐसी अवस्था को उर्दू में कब्ज, अंग्रेजी में कॉन्स्टिपेशन और हिंदी में कोष्ठबद्धता बोलते हैं। कारण क्या क्या होते हैं? सबसे बड़ा कारण होता है इंबैलेंस डाइट, असंतुलित भोजन। दूसरे नंबर पर कारण आता है अनियमित व्यायाम। ये दो तो लगभग लगभग हर रोग में सबसे पहले और दूसरे नंबर पर कारणों में ये दो ही कारण रखे जाते हैं। हर रोग के यही कारण है। इन कारणों ने सोच के रखा है हम छोड़ेंगे नहीं, हर रोग को करा के मानेंगे, और हम भी इन कारणों को दाएं बाएं कर देते हैं कि हम बाकी सब करते रहेंगे लेकिन तुम्हारा फॉलोअप नहीं करेंगे। तो कारण भी बहुत बुरा मान जाते हैं। कारण कहते हैं अच्छा हमारी बात नहीं मानोगे तो अब हम तुम्हें देखते ही हैं। और यहीं से फिर कारण और हमारे बीच में झगड़ा होना चालू हो जाता है। हम कारणों की सुनते नहीं हैं,
और कारण हमको धीरे 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 करके बीमार करना चालू कर देते हैं। तो असंतुलित भोजन और अनियमित व्यायाम लगभग लगभग हर रोग के होने का पहला और दूसरा कारण है। तो कब्ज के भी पहले और दूसरे कारण यही है। बाकी कारणों में पानी की कमी कब्ज के लिए एक बहुत अहम कारण माना जाता है। भोजन में रेशे युक्त भोजन की कमी कब्ज के लिए अहम कारणों में आता है। खाने को कम चबाकर खाना कब्ज के लिए अहम मुख्य कारणों में आता है। कभी कभी बी कॉम्प्लेक्स प्रॉपर मात्रा में हम नहीं खा पा रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, तो बी कॉम्प्लेक्स की कमी के चक्कर में भी अपच की समस्या होती है और अपच की समस्या के चलते कब्ज की समस्या हो जाती है। तो मुख्य रूप से अगर हम कारण गिने तो पहला कारण असंतुलित भोजन, हमें क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, इसमें हम भूल कर रहे हैं, पहला कारण कब्ज का। दूसरा कारण अनियमित व्यायाम, व्यायाम की कमी की वजह से आते हैं शिथिल होना चालू होती हैं, पूरा शरीर शिथिल होना चालू होता है, मांसपेशियां शिथिल होना चालू होती हैं, आंतें भी मांसपेशियों से बनी हुई हैं तो आंतों की मांसपेशियां भी शिथिल होती हैं, तो शिथिलता की वजह से, मांसपेशियों की शिथिलता की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। पानी की कमी, डिहाइड्रेशन की वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पानी है ही नहीं, तो असेंशियल अमाउंट ऑफ वाटर जिसके साथ मल को निकलना था वो भी अगर नहीं है शरीर में तो मल धीरे धीरे करके आंतों में सूखना चालू होगा, सूखा हुआ मल आंतों में रगड़ के नीचे की तरफ उतरना चालू होगा, नहीं निकल पाएगा शरीर से, आंतें नहीं निकाल पाएंगे उसको, तो फिर धीरे धीरे करके वो आंतों में जमना चालू होगा जिसको कोष्ठबद्धता बोला जाएगा। रेशे युक्त भोजन की कमी जिसमें रेशे बहुत ज़्यादा है, फाइबर्स जो होते हैं उनकी कमी वाला भोजन अगर हम करते हैं, महीन आटा हम खा रहे हैं, सब्जियों में दुनिया भर का मसाले का उपयोग कर रहे हैं, तो वो खाना आंतों में जाके इंडाइजेशन कराता है, जो महीन आटा है वो चिपक जाता है आंतों में, चिपकने की वजह से बाकी जो दोबारा हम खाते हैं वो उस चिपके हुए खाने के साथ जल्दी जल्दी मिलता जाता है, और चिपका हुआ खाना पूरे तरीके से जब एलिमिनेट नहीं होता तो डाइजेशन नहीं हो रहा, एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा, एलिमिनेशन नहीं हो रहा, तो फिर डाइजेशन की जगह फर्मेंटेशन होगा, और फर्मेंटेड फूड के साथ जो हम दोबारा खा रहे हैं वो मिलेगा तो वो भी खराब हो जाएगा। अब खराब होता हुआ खाना निकलेगा नहीं, निकलेगा नहीं तो वो भी कॉन्स्टिपेशन कराने का एक रीज़न है। तो मुख्य रीजंस जो हैं उनमें हमने देखा कि पानी की कमी, रेशे युक्त भोजन की कमी, व्यायाम की कमी, अनियमित असंतुलित भोजन। इसके साथ में एक समस्या और होती है, वो है अटोनिक कॉन्स्टिपेशन। अटोनिक कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कमर में चोट लग जाए, ऊपर की पीठ जो मिडिल बैक है, जो मध्य पीठ जिसको बोला जाता है, D11 12 पर अगर वर्टिब्रल रीजन पर कहीं कोई चोट लग जाए तो उसकी वजह से वहाँ उस लेवल से ही छोटी आंत और बड़ी आंत के लिए सप्लाई आ रही होती है, नर्वस सप्लाई, वो रुकेगी, उसकी वजह से अटोनिक कॉन्स्टिपेशन होगा, टोन आंतों की खत्म हो जाएगी उसकी वजह से जो कॉन्स्टिपेशन होगा। तो ये है मूल कारण, इनकी वजह से लक्षण क्या क्या, कब्ज के लक्षण क्या क्या है। कब्ज का सबसे पहला लक्षण होगा कि मल अगर निकलेगा नहीं, मल आंतों में रुका रहेगा, रुकेगा तो सड़ेगा, और सड़ेगा तो फिर आंतों में पड़ी हुई कोई भी चीज सड़ेगी तो आंतों को फैलाएगी, फुलाएगी, पेट में फुलावट बनी रहेगी, पेट हमेशा भारी भारी रहेगा। जिनका कॉन्स्टिपेशन का बहुत लंबे समय का इश्यू है उनको जब अपान वायु रिलीज होती है, एनस से जब गैस रिलीज होती है तो बहुत बदबूदार रिलीज होती है, क्योंकि जो खाना आंतों में है वो सड़ भी रहा है साथ में, फर्मेंटेड रॉटन एग स्मेल होती है ना, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आना चालू हो जाती है, वो बहुत खतरनाक स्थिति होती है। तो ऐसे समय में लक्षण क्या क्या आएंगे, एक तो पेट में भारीपन, पेट में दर्द भी हो सकता है जिसकी वजह से, अपान वायु में बदबू,
हाथों में पहले का खाना ही भरा हुआ है तो दोबारा खाने का मन नहीं करेगा। अब हम खाना दोबारा खा नहीं पा रहे हैं तो पोषक तत्वों की शरीर में कमी होगी, शरीर में ऊर्जा की कमी होगी, तो थोड़ा आलस रहेगा, थोड़ी सी जो हमारी ऊर्जा शक्ति है वो कमजोर रहेगी, थकान सी बनी रहेगी हमें, और बहुत लंबे समय के बाद पेट में दर्द रहना चालू हो जाएगा, हाथों में सूजन आना चालू हो जाएगी। ये सारे होंगे कब्ज के लक्षण। अब इलाज जो होगा उसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमें एम ऑफ ट्रीटमेंट क्या रखना है, हमारा उद्देश्य क्या है इलाज करने का, इलाज से हम क्या करना चाहेंगे। सबसे पहले तो सबसे पहले हमें ये कराना है कि जो गंदगी आंतों में जमी हुई है उसको निकाल दिया जाए। कब्ज का, लोगों को ये लगता है कि गंदगी जो जमी है उसको निकाल देना ही कब्ज का इलाज हो जाता है। नहीं, ये तो सिम्टोमेटिक रिलीफ होगा केवल। सिम्टोमेटिक रिलीफ का मतलब है कि सिम्टम, जो मल भर गया है उसको निकाल दिया हमने, लेकिन मल जिस वजह से भरा था वो वजह तो नहीं निकाली ना। तो जब तक हम उस वजह को खत्म नहीं कर देते हैं तब तक इलाज पूरा नहीं होता। वजह क्या है कब्ज होने की, वो जो अपन ने कारण अभी देखे, असंतुलित भोजन, अनियमित व्यायाम, फाइबर्स की कमी, पानी की कमी, खाने को कम चबाकर खाना, ये जो मुख्य कारण हैं होने के कब्ज के, इन कारणों की वजह से अगर कब्ज हो रही है तो इनमें से जो मूल कारण है वो आप समझ सकते हैं कि भाई हमारे लिए क्या कारण है, उस कारण को आप खत्म कर दो। अगर आप खाने को कम चबा के खा रहे हो, आप खाने को ज़्यादा चबा के खाना चालू कर दो, धीरे धीरे करके कब्ज का परमानेंट इलाज होना चालू हो जाएगा। जो सिम्टोमेटिक रिलीफ है उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं, प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे अच्छे तरीके हैं। प्राकृतिक चिकित्सा के पहले शुद्धि कर्म जो होता है उसमें ही बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। आंतों में जो भरा हुआ मल है उसको निकालने का चिकित्सकीय तरीका जो है वो, तो आप पेट पर थोड़ा गर्म ठंडा सेक करिए, गर्म पानी की थैली और गीले कपड़े से 2 मिनट गर्म पानी की थैली से पेट पर सिकाई, 1 मिनट गर्म पानी की थैली हटा के 1 मिनट गीले कपड़े से, फिर 2 मिनट गर्म पानी की थैली, 1 मिनट गीला कपड़ा, फिर 2 मिनट गर्म पानी की थैली, 1 मिनट गीला कपड़ा, ऐसे 5 बार करके 15 मिनट का सेक किया। उससे आंतों में थोड़ी गर्मी पहुँचेगी, आंतें थोड़ी गर्म होंगी, और जैसे ही हमने गर्म पानी की थैली रखी आंतें फैलती हैं, थैली को हटाते हैं आंतें सिकुड़ना चालू होती हैं, ठंडा कपड़ा लगा देते हैं तो आंतें और ज़्यादा सिकुड़ती हैं। तो आंतों की ये वाली मूवमेंट जो है ये हमने करा दी। तो जब आंतों की ये मूवमेंट हुई है, मतलब आंतें किससे बनी है, मांसपेशियों से, मांसपेशियों का ये वाला मूवमेंट हुआ तो आंतों की शिथिलता कम हुई। ठंडे के बाद जब ठंडा था, सिकुड़ रही थी आंतें, उस समय हमने मिट्टी की पट्टी रख दी। मिट्टी की पट्टी अगर हम रख सकते हैं तो, अगर अवेलेबल है तो, अगर अवेलेबल नहीं है तो हम ठंडे पानी, बर्फ के पानी का, फ्रिज के पानी का गीला तौलिया पेट पर 10 मिनट के लिए रख देंगे, वो आंतों को पूरा सिकोड़ेगा। आंतों की मांस ठंडक है, ठंडक सिकोड़ने का काम करती है, आंतों की मांसपेशियां पूरी सिकुड़ेंगी ढंग से। जैसे जैसे आंतों की मांसपेशियां सिकुड़ती जाएंगी, और जब 10 मिनट पूरे होंगे हम ठंडे पानी के गीले कपड़े को हटाएंगे, तो जैसे ही ठंडक हटना चालू होगी आंतें फिर से फैलना चालू होगी। मांसपेशियों की बनी हुई है, मांसपेशियां लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग है तो मांसपेशियां फैलेंगी। मांसपेशियां फैली तो जो मांसपेशियों की दीवारों पर अंदर की तरफ चिपका हुआ मल था वो छूटना चालू हो जाएगा, और जैसे ही मल छूटेगा उसके बाद हम एनिमा दे देंगे। एनिमा जो लोग समझते हैं, जिन लोगों ने पहले लिया हुआ है, वो घर में स्वतः एनिमा कर सकते हैं, सेल्फ एनिमा कैन होती है उसके माध्यम से। और अगर मान लीजिए नहीं कर पा रहे हैं एनिमा तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एनिमा हो जाता है तो यह है कि एक बार के एनिमा से ही लगभग 40-50% जमा हुआ मल बाहर आ जाता है। अगर नहीं हो पाया कोई बात नहीं, आपने ये ट्रीटमेंट कर लिया और इसके बाद आप कुछ चूर्ण या गर्म पानी में कुछ चूर्ण मिला के काढ़ा बना के, अब कुछ में क्या ले सकते हैं, आप आंवला ले सकते हैं, दूसरे नंबर पर त्रिफला ले सकते हैं,
आप हरड़ का पाउडर ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अजवाइन, मेथी, काला नमक और सौंफ, इसका पाउडर बना के रख लें। इसका पाउडर आप ले सकते हैं गुनगुने पानी के साथ। तो ये सारी चीजें ही कब्ज निवारक का काम करेंगी, जो जमा हुआ मल है उसको निकलवाने का काम करेंगी। आपने रात को सोने से पहले एक चम्मच आंवले का पाउडर, या फिर एक चम्मच हरड़ का पाउडर, या फिर एक चम्मच त्रिफला का पाउडर। एक चम्मच हरड़ का पाउडर अगर लेते हैं तो थोड़ा सा पेट में मरोड़ टाइप की कर सकती है हरड़, तो हरड़ को अगर आप थोड़ा कम लेना चाहें तो कम भी ले सकते हैं। या आपने लिया, इसके बाद आप पानी पी के रात को सो गए, अगर पेट में रात को मरोड़ होती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो जमा हुआ मल है, ये जो पाउडर था, ये चूरन जो थे, ये सारे चूरन सबकी तासीर है मल को छुटाने की। तो जैसे जैसे मल छूटेगा आंतों में से, चिपका हुआ मल छूटेगा, तो आंतों में थोड़ी सी हल्की सी मरोड़ के साथ दर्द हो सकता है आंतों में, तो उससे घबराना नहीं है। उसके बाद सवेरे जब आप जागे हैं तो जागते ही एक बार में 2-3-4 ग्लास पानी पी लीजिए, हल्का निमाया सा, गुनगुना सा पानी पी के 2-5-7 मिनट आप टहलिए। टहलने के बाद जब पानी का जोर प्रेशर के साथ वो पानी जब आंतों में जाएगा, तो रात को आपने जो पाउडर लिया था गुनगुने पानी के साथ, उसने मल को छुटा दिया था, और सवेरे सवेरे जो आपने एकदम से पानी पिया है तेजी से ज़्यादा मात्रा में, वो उस मल को इकट्ठा कराते हुए यहाँ से ले जाते हुए, छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत से होते हुए, ऐसे बड़ी आंत के पहले वाले भाग से बड़ी आंत के अंत वाले भाग तक ले जाएगा, और जैसे ही मलाशय तक वो मल पहुंचेगा आपको मोशन का सेंसेशन आएगा, उसके बाद आप मल त्याग के लिए जाइए, आपकी आंतें लगभग लगभग साफ हो जाएगी। यहां आपने जमे हुए मल को साफ कर दिया। इसके बाद कम से कम 3 दिन के लिए आप लगभग, अगर आपको हार्ट की और किडनी की कोई समस्या नहीं है, तो 3 दिन तक लगभग लगभग 4-5 लीटर पानी आप पूरे दिन में पीजिए। 3 दिन, आज 5 लीटर, कल 5 लीटर, परसों 5 लीटर। आप ज़्यादा मात्रा में पानी पियेंगे तो आंतें पूरी धुल जाएंगी, और 3 दिन तक आप लगातार आंवला या त्रिफला या हरड़ का पाउडर ले सकते हैं। उससे आंतें एक बार आपकी साफ हो गई, धुल गई, खंगल गई। अब बारी आती है आपकी, दोबारा पानी की कमी नहीं हो इसके लिए कम से कम 3.5 लीटर पानी लगातार पीते रहने की। दोबारा से खाने को कम चबा के खाने की वजह से अपच ना हो, इसलिए खाने को ज्यादा से ज्यादा बार चबा के खाने की। असंतुलित भोजन करने की वजह से अपच होकर के खाने का शरीर में न लगना होकर के खाने के जमाव को अगर रोकना है तो संतुलित भोजन करने की। व्यायाम की कमी की वजह से आंतों में आती हुई शिथिलता को रोकने के लिए नियमित रूप से रोज दैनिक जीवन में कम से कम 1 घंटा व्यायाम शुरू कर देने की जरूरत होगी। तो आपने क्या क्या किया? आपने ज्यादा मात्रा में पानी पीना शुरू कर दिया, आपने खाने को ज्यादा चबा के खाना चालू कर दिया, आपने मोटे आटे की रोटी खाना चालू कर दी, सब्जियों की मात्रा ज्यादा से ज्यादा कम से कम मिर्च मसाले के साथ लेना चालू कर दी, और नियमित रूप से व्यायाम जो है वो करना चालू कर दिया। अगर आप ये सारी चीजें करना चालू कर देते हो, तो आंतें आपने एक बार साफ करा दी थी, आंतों को धो दिया था, आंतों को खंगलवा दिया था, अब बाकी के जो रीजंस थे जो कब्ज को कराने में सहायक हुए, जो मल को, मल एकदम से नहीं रुक गया था, मल के धीरे धीरे रुकने में जो वजहें बनी थी, उन वजहों को लगातार खत्म करते रहे। और वजहों को लगातार खत्म करने के लिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा। बार बार इसलिए बोला जा रहा है कि लोग यहीं बार बार चूक जाते हैं, हमें थोड़ा आराम मिलता है हम फिर जल्दी जल्दी खाना खाना चालू कर देते हैं, हमारा पेट साफ होना चालू हो जाता है तो हम फिर से पानी पीने की व्यवस्था पूरी बिगाड़ देते हैं, फिर से हम पूरे दिन में 1-2 ग्लास पानी पर आ जाते हैं। जैसे ही हमारा पेट ठीक ठाक साफ होना चालू हो जाता है, हम
फिर से अपने मन से भोजन करना चालू कर देते हैं। भोजन मन के लिए नहीं है, भोजन शरीर के लिए है। जो भोजन आपके शरीर को उपयोगी हो वो भोजन करना चाहिए। मन के अनुरूप भोजन अगर करेंगे, मन तो चाहता है कि बहुत खाओ, स्वादिष्ट खाओ, मन के हिसाब, मन तो मरवा देगा। तो शरीर को जितनी आवश्यकता है, और कभी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं आज तो हमें बहुत मन कर रहा है, आज तो हमारा मन है, आज तो हम छोले और भटूरे ही खाएंगे। अब भटूरे मैदे के बनते हैं, मैदा ये मान लीजिए कि अगर आप जहर खाएंगे तो जहर नुकसान तो करेगा ही, लेकिन ज़्यादा नुकसान ना करे इसलिए फिर आप ये कर सकते हैं कि आज आपने अगर दोपहर में छोले भटूरे खा लिए तो फिर आज आप शाम को अच्छा वर्कआउट करिए और शाम का जो भोजन है वो बिल्कुल सुपाच्य ले लीजिए, और सवेरे सवेरे अच्छी मात्रा में वर्कआउट करके जो भी आपने आज दोपहर में खाया था वो कल सवेरे तक सारा एलिमिनेट हो जाए, हाँ तो मैं रुके नहीं वो कुछ भी तो ठीक है। नहीं तो आज दोपहर में खाया था, आज शाम से ही लोगों के पेट में दर्द, किसी को गर्दन में दर्द, किसी को सिर में दर्द, चिड़चिड़ाहट, ये सब चीज़ें आना चालू हो जाती हैं। क्यों होती हैं? क्यों? आज हमने मसाले युक्त भोजन खा लिया, मैदा युक्त भोजन खा लिया, अब वो आज 3 घंटे के बाद ही अपच कराना चालू कर देगा, और अपच कराएगा, पेट फुलाएगा, एसिडिटी होगी, एसिडोजेनिक सर्वाइकल होगा, सर्वाइकोजेनिक हेडेक होना चालू हो जाए, आंखों में दर्द आ जाएगा, एकदम से सिर में दर्द आ जाएगा, गर्दन में दर्द आ जाएगा, सीने में भारीपन लगना लगेगा, पेट एकदम फूलने लगेगा, उबाक आना चालू हो जाती है। तो ये समस्याएं होंगी, इनसे बचना है तो फिर अगर हमें अपने मन का खाना है तो ज़्यादा व्यायाम करके, कहा जाता है कि आपको मन का खाना है आप खूब व्यायाम कर लो फिर आप खा लो, और खाने के बाद 3-4-5 घंटे के बाद आप शाम को या सवेरे फिर से दोबारा से बहुत अच्छा व्यायाम करके खूब सारा पसीना निकाल के जो आपने खाया था उसको शरीर से बाहर, शरीर से बाहर कैसे निकाला जाएगा, जो खाया है उसमें जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का उपयोग कर लो। ऊर्जा का उपयोग कैसे करेंगे? किसी के खेतों में जाके हल तो जोत नहीं सकते, अगर कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, बाकी जो लोग नहीं करते हैं वो जिम में जाके व्यायाम कर लें, तेज गति से टहल लें, सूर्य नमस्कार कर लें, जिनके घुटनों में एड़ियों में दर्द नहीं है वो थोड़ा सा जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, और जो कुछ नहीं कर सकते, जिनके दर्द बहुत ज़्यादा है, जो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं, जो जिम नहीं जा सकते हैं, वो वैसे तो अधिकारी नहीं है ऐसा भारी खाना खाने के, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा बहुत खा लिया है तो बैठ करके ज़्यादा देर के लिए प्राणायाम कर लें, नुकसान से बचेंगे। ठीक है, तो कब्ज होने के कारण जो थे उन कारणों को अगर हम खत्म कर देंगे तो कब्ज पूरे तरीके से खत्म हो सकती है। अब आप ये ध्यान रखें कि कब्ज को पूरा खत्म करना है तो खाने को मूल रूप से एक कौर को आप 60 बार चबा के खाइए, पानी दिन भर में आप कम से कम 3.5-4 लीटर पानी पीना चालू कर दीजिए, सवेरे और शाम दोनों टाइम संभव अगर हो जाए तो 50-50 मिनट टहलिए सवेरे खाली पेट और शाम को भोजन करने के बाद, और संभव अगर हो तो कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मोटे आटे की रोटी और सब्जी की मात्रा ज़्यादा, अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली थोड़ा समय लग सकता है लेकिन कब्ज अपने सारे लक्षणों को ख़त्म करते हुए हमेशा के लिए शरीर को छोड़ करके बाहर आ जाएगी।